हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है भूतकाल पढ़ा, मतलब सॉरी टेंथ के बारे में पढ़ा था। काल के बारे में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीखा था। आज का ये पार्ट दूसरा है। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं, आप पहले पार्ट को आप जाकर देखिएगा, बेसिक चीज़ें को आपको समझ में आ जाएगा काल में क्या होता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे काल के बारे में। काल किसे कहा, काल के बारे में और काल के कितने भेद होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम ले आए हैं एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल बनते हैं वो हमने यहाँ समाहित किया है, ताकि जो आप इसी तरीके से अगर लिखेंगे मित्र, तो आपका जो कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसे से आप तीनों को साथ में एक पेज लीजिएगा, उसी तीनों के एक साथ में लिखिएगा, तो आपका जो कन्फ्यूजन होता रहा होगा अभी तक वो दूर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आएगा तो मित्र लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए, काल, काल का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा, काल का मतलब क्या होता है, काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है, क्रिया का विकारक रूप को काल कहा जाता है, या क्रिया के रूपांतरण को काल कहा जाता है, काल की परिभाषा किसे कहा जाता है, जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय के अपूर्णता का बोध कराए उसे काल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे वर्तमान काल किसे कहा जाता है। वर्तमान काल उसे कहा जाता है क्रिया के जिस रूप में कार्य के, मतलब कार्य होने का बोध हो, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल उसे कहते हैं क्रिया के बीते हुए समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो दोनों क्लियर हो गया, वर्तमान और भूत हो गया। और भविष्यकाल उसे कहते हैं क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे क्या कहा जाता है दोस्त, भविष्यकाल कहा जाता है। तीनों बात क्लियर हो गई। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के हमने एग्जाम्पल लिखा है, राम पढ़ता है, मतलब क्रिया का, मतलब काल के कार्य के होने का बोध हो, मतलब पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम सोता है, ये सब जो है क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। राम राधा जाती है तो ये हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल दो लिखे हमने, आप और प्रैक्टिस करिएगा तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में देखें राधा ने अभ्यास किया। पूर्ण वर्तमान काल मतलब पूरा हो गया, काम पूरा हो गया है, वर्तमान काल में कार्य पूरा हो गया उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं जो कार्य वर्तमान काल में पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा खेल रही है, वर्तमान काल में क्रिया का पूर्ण न होना उसे जो है अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देख रहे हम लोग राधा खेल रही है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आपको क्लियर ही होना चाहिए, बाकी जो है एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और संदिग्ध वर्तमान काल उसे कहते हैं जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने का शक या संदेह हो उसे क्या कहा जाता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे राधा का टेट में पास हुई होगी, जैसे हम कहें राधा का एसआई में नंबर आया होगा, क्लियर नहीं ना, शक है या संदेह है तो उसे क्या कहा जाता है वर्तमान काल में, उसे संदिग्ध काल कहा जाता है, क्लियर। इसके बाद संभावना जताई जाए, आया हो राधा का एसआई में नंबर, आया हो राधा ने खाया हो, तो वो संभाव हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं भूतकाल। भूतकाल उसे कहते हैं जो बीते समय का बोध कराए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा होगा, ये कौन सा भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल होगा कि राम ने श्याम को मारा होगा, ठीक है, ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल हो जाएगा कि मार दिया होगा, वह गया था वह आया था, मतलब वह क्लियर हो गया ना, वह गया था वह आया था, तो यहाँ हो गया कौन, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री भाषण दे रहे, मतलब क्या है, वह कार्य जो है बीते हुए समय में अभी भी हो रहा है, भाषण दे रहे थे, अभी उसमें क्लियरिटी नहीं हुआ। संदिग्ध भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें शक संदेह होता है भूतकाल में,
वही हो गया, मैंने कहा होगा, तुमने गाया होगा, उसने कहा होगा। आसन्न भूतकाल निकट में, मतलब जैसे हो निकट में कोई कार्य समाप्त हुआ हो, अध्यापक पढ़ाकर आए हैं, ठीक है दोस्त, ये हो गया। हेतु भूतकाल वह क्रिया जो भूतकाल में नहीं, किन्हीं कारणों बस नहीं हो पाई है, उन्हें क्या कहा जाता है? हेतु भूतकाल कहा जाता है। मैं पहुंचता, जैसे मैं पहुंचता तो पेपर जरूर देता, ये हो गया आपका हेतु भूतकाल में आ जाएगा दोस्त। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट के ओर, बातें हैं कौन सा है, सामान्य भविष्यकाल। जैसे मैं परीक्षा देने इलाहाबाद जाऊंगा, सामान्य भविष्यकाल ही हो गया ना, सामान्य भविष्यकाल से कहते हैं क्रिया के आने के समय का बोध हो, आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल उसे कहते हैं जैसे मैं परीक्षा देने कल इलाहाबाद जाऊंगा, कल जाऊंगा इलाहाबाद, तो कल अगर आप कल परसों जाऊंगा, तो ये सब जो है भविष्यकाल में कौन से आएगा, सामान्य में आ जाएगा। संभावना में आप जान रहे हैं कि आने वाले समय में संभावना जताई जाए, उसे संभावना कहते हैं। जैसे शायद कल बारिश हो, ये सब आपके शायद कल की बात जहाँ कर दे, कल बारिश हो, परसों बारिश हो, तो भविष्यकाल की ही बात कर रहा है, तो इतना क्लियर हुआ। हेतुकाल उसे कहते हैं जो भविष्य में कोई कार्य किसी कारणों पर नहीं हो पाया है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भविष्यकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम आते तो मैं जाता, या तो मैं जाऊंगा, तो क्या हो गया है, भविष्यकाल। यही रहा है, आप इसी तरीके से मित्र लिखेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं थी, बस इतना ही आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास किया था। आप इसी तरीके से नोट डाउन करेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जरूर, टेंथ से एक क्वेश्चन जरूर आता है काल से, वो आपका अगर इसी तरीके से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, खुद का नोट्स बनाएंगे, तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, कभी आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है मित्र। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में, बेहतर क्लास में, और बेहतर करने का प्रयास करूंगा ताकि जो है आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है मित्र। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।